चुनावी साल में एक और घोषणा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर दी है, या यूं कहें कि तोहफा दे दिया है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनको मिलने वाली पेंशन में इजाफा कर दिया है। पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्ष ठाकुर। दरअसल देखिए, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, सौगातें दे रहे हैं, और ऐसी ही सौगात मिली है अब स्वतंत्रता सेनानियों को, लोकतंत्र सेनानियों को, यानी कि फ्रीडम फाइटर्स को, जिनको मिलने वाली पेंशन की राशि प्रदेश सरकार ने बढ़ाने का फैसला कर लिया है। 25,000 रुपए की पेंशन राशि पहले मिला करती थी फ्रीडम फाइटर्स को, जो कि अब बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है, सोशल मीडिया के जरिए भी यह खबर साझा की है। सीएम शिवराज ने लिखा कि वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 की सम्मान निधि मिलती है, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाएगा। हम ये भी निर्देश देंगे कि शासकीय कार्यालयों में उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, इसके निर्देश भी, क्योंकि वो जिम्मेदार नागरिक हैं, प्रॉपर रिस्पांस मिले, इसकी भी सूचनाएं हम लोग देंगे। वर्तमान में अभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों को 25,000 रुपए की सम्मान निधि मिलती है, और इसलिए हमने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें हमने ये मध्य प्रदेश में प्रारंभ की थी, अभी 25,000 से बढ़ा के उसको 30,000 रुपया किया जाएगा। तो बड़ी सौगात यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स को प्रदेश सरकार ने दी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी है। देखना होगा कि सौगात का कितना असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ेगा, लेकिन फिलहाल सीएम शिवराज सिंह चौहान कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, हर एक वर्ग को साधने में लगे हुए, और इसी कड़ी में फ्रीडम फाइटर्स को मिलने वाली सम्मान निधि को सीएम शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने बढ़ाने का फैसला कर लिया है। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।